तो यहाँ पे हमने सफेद तिल लिया हुआ है, इसे हम हल्का सा भून लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन वेज फूड चैनल। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ 7 प्रकार की चटनी, जो कि सब चटनी हमारा अलग तरीके से होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप सबको समझ में आएगा, और तभी आप जो है अच्छे से चटनी बनाना सीख पाएंगे। तो 7 चटनी बनाने के लिए हमने 7 प्रकार का आइटम लिया हुआ है चटनी बनाने के लिए, और बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने वाली हूँ 7 रंग की। तो इस सब्जी को आप लोग पहचान रहे होंगे, इसका नाम है हमारे तरफ इसको हम लोग केवाँच बोलते हैं। अभी ये छोटा है, बतिया है बिल्कुल। और इसकी भी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छी आती है, और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने 7 प्रकार की चटनी किस तरीके से बनाया है। इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, केवाँच को हम डाल देंगे तेल में, फ्राई कर लेंगे इसे। पूरी तरह से तेल में जो है फूल गया है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ हमने चटनी बनाने के लिए पपीता लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने केवाँच लिया हुआ है, अमरूद है, मूली के पत्ते हैं, और यहाँ पे हमने जो है सफेद वाला तिल लिया हुआ है, मूंगफली है, टमाटर है। अब हम सभी चीजों में जो जो सामग्री डालना है और डालेंगे, जिस फ्लेवर में हमें बनाना है उस फ्लेवर में हम बनाकर आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने लहसुन का कुछ कलियां का छिलका उतारा है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा लहसुन की कलियां। टमाटर में हम डाल देंगे धनिया की पत्ती, तिल वाले में धनिया की पत्ती डालेंगे, मूली वाले में धनिया की पत्ती डालेंगे, और केवाँच वाले में धनिया की पत्ती डालेंगे। अमरूद और पपीते में हमें धनिया की पत्ती नहीं डालना है। पपीते में हम डाल देंगे लहसुन डाला है जो है 5-6 कलियां, काली मिर्च डाल देंगे और काला नमक डाल देंगे, और अमरूद में हम डालेंगे जो है पुदीने की पत्ती। और हम डाल देंगे अदरक का टुकड़ा टमाटर वाले में, मूंगफली वाले में, तिल वाले में, मूली वाले में, और केवाँच वाले में। अब हम डालेंगे मिर्चा, तो मूंगफली में हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो अब हम डालेंगे सभी में स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार हमने सभी चटनी में नमक डाल दिया है, इसमें हमने काला नमक डाला हुआ है, थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल देंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि चटनी हमारी थोड़ा हिस्सा गीला रहे। तो अब हम मूली के पत्ते की चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा पत्ते ज्यादा है, एक बार पहले पीस लें, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा।
थोड़ा सा बड़ा है, पानी थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे। ये हमारी 7 प्रकार की चटनी बनकर तैयार हो गई है, अलग अलग फ्लेवर में है। और यहाँ पे हमने लिया है मुरमुरा और मूंगफली का दाना, सभी चीज़ों को हम मिक्सलाई में मिक्स कर देंगे। आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, दाने के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है, समोसे के साथ खा सकते हैं, चाहे जो चीज़ में आप सबको खाना हो। 7 प्रकार की चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।